ओट पड़ रहे हैं भैया, ठंड में ओट पड़ रहे हैं। पहुंचाऊं और इतना सारा सामान हाथ में, अब पहुंच रहा हूं ऊपर। ये रहा अपना गोभी गोश और ये मक्के की रोटी अम्मी के हाथ की। मेरा ख्वाब जगेगा, मेरी नींद भरी आंखों में आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ मेरे, ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा कभी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज ये फ्राइडे, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 7:30 बजे। अभी नमाज वगैरह पढ़ के आया हूँ और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेते, और इतना कोहरा हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है ना आज कि क्या ही बताऊँ। तो आप दिखाता हूँ कैसा माहौल है बाहर का। तो देखो भाई कैसी, कैसा आगे देखो कैसा कोहरा हो रहा है। यहाँ तो इतना नहीं है क्या, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये अपने बिरमपुरी रोड पर खड़ा हूँ मैं, देख रहा कैसा कहर हो रहा है। तो अब चलते हैं अपन, चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुबह तो तुम्हें पता ठंड में मज़ा आया था चाय पीने। तो चाय वगैरह पीते हैं हम, तो आगे शॉप है उनसे चाय वगैरह लेके चाय पीते हैं और फिर आएगा मज़ा ठंड का सही वाला। तो अब आ गए चाय की टपरी पे और चाय पीते हैं, जल्दी से लेते हैं चाय। तो ये बन रही चाय सुबह ही सुबह, चाय लेते हैं। तो ये आ गई अपनी चाय और नीचे मट्ठी भी लगी हुई है 1 रुपए वाली, और चाय मट्ठी के साथ। तो जल्दी से पीते हैं, सिप मारते हैं। इतनी गर्म चाय है लेकिन मुझे अभी भी ठंडी लग रही है, मतलब एकदम ही भीगे हम अभी, बिल्कुल भीगे इन्होंने चाय निकाली। तो चाय वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह तो पी ली भाई, मजा आ गया ठंड में। जैकेट डाल के आया, उसमें भी मुझे ठंड लग रही है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है इस टाइम ना। तो अब गली में आ गया, अब जा रहा हूँ घर पे और रेडी वगैरह होते हैं। अभी थोड़ी देर में ना मुझे निकलना है एक जगह, हाँ जल्दी सब घर पर जाके रेडी होते हैं। अभी तो घर पे सब लेटे हुए होंगे, अंधेरा होगा, घर पे आ गया मैं। तो मैं रेडी होके फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई फाइनली रेडी हो गया मैं, और ना अभी जहाँ पे हमें जाना था ना वहाँ पर अभी कैंसिल कर दिया, बिकॉज कल जाना पड़ेगा वहाँ पर। आज यार जुम्मा भी था, नमाज भी पढ़नी थी, फिर जुम्मा पढ़ना था ना, इस वजह से मैंने फिर वहाँ पर जाने में भी टाइम लगता, नमाज में ये हो जाता, तो इसलिए मैंने कहा मैंने कल आऊँगा मैं, कल जाएंगे वहाँ पर। अभी फिलहाल जल्दी से चल रहे नमाज पढ़ने, फिर मिलते हैं। तो भाई जुम्मे की नमाज वगैरह भी पढ़ ली, नमाज वगैरह पढ़ के आ गया मैं घर पे। अब चलते हैं, कुछ पहले लंच वगैरह कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाने का हिसाब बनाना। गेट भी बंद पड़ा है। हेलो भाई, मैंने ना जैकेट वगैरह पहन ली, एक तो शाम का टाइम हो रहा है 4 बज गए, और दूसरा मुझे जाना है सीतापुरी किसी गांव से, सीतापुरी मतलब उत्तम नगर, दिल्ली का कोना, ये हमारा कोना पड़ता है मतलब लास्ट, और उधर लास्ट में जाना है। तो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, स्कूटी वगैरह साफ वगैरह करते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि बस सुन हो जाते हैं हाथ पैर। सुबह में उठा ना तो पानी वहाँ तो है ना, फजर में उठ के ओ भाई ऐसा लग रहा है बर्फ़ से हाथ पैर धो रहा हूँ, ऐसा मामला रह रहा है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, बाहर आ गया हूँ मैं, और चलते हैं जल्दी से निकल के। गाड़ी भी रेडी कर ली मैंने, देखो तो स्कूटी निकाल ली, हेलमेट वगैरह भी रेडी है, फटाफट चलते हैं, ज़रा एयरबड्स रहेंगे वो ले लूँ। पढ़ आ गया बाहर में स्कूटी लेके, और अब जल्दी से हेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं। क्या लग रहा है, ओट पट रहे हैं भैया, ठंड में ओट पट रहे हैं। चलो तो भाई फाइनली पहुंच गया मैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और जाते हमारा भतीजा मिल गया मुझे,
प्यारा सा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा काम था, ये घर है हमारा दादी का, तो ऊपर चलते हैं। A few moments later. तो भाई फाइनली वहाँ से तो निकल गया और अंधेरा हो गया, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, टाइम तो 6 बज रहे हैं अभी। तो बस अब ठंड इतनी तेज लग रही है भाई, हाथ वाथ निकालने का ही मन नहीं कर रहा, और रोड पर आ गया और यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और मैं मिलता हूँ अब घर पर पहुँच के, देख रहा कैसे तो भाई फाइनली अब घर आया हूँ मैं, और टाइम पता क्या हो गया, 9 बज गए आने में, 4 बजे का निकला हुआ, 9 बजे पहुँचा हूँ, सैंपल पहुँचा के आया जब, अब फाइनली पहुँच गया, तो ऊपर जा रहे हैं, तो सारा सामान है मेरा हाथ में, चलो ऊपर मिलते हैं। मम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है बहुत, बाल भी सो रहे हैं जीप से, अब खाना वगैरह खाते हैं, भूख लग रही है बहुत। आया हूँ घर पे और भूख इतनी तेज लग रही थी, लेकिन अभी खाना ही नहीं बना, और अभी बना रही है खाना, अभी तो पालक धुल रहा है, क्यों नहीं बना, लेट क्यों हुआ इतना, चलो तो वेट करना, अभी वेट करो फिर, कितनी देर वेट करना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ मम्मी, 9:30 बज रहे हैं, वैसे तो पता है 10 मिनट में मिल जाएगा, चलो जब तक। तो भाई फाइनली बैठ गया खाना खाने के लिए, ब्लैंकेट डाल रखा मैंने ऊपर, ये रोटी, ये देखो मक्के की रोटी, और बताया किसके साथ खा रहा हूँ, ये अभी बताया तो था यार, गोभी गोश्त के साथ, देखो ये रहा अपना गोभी गोश्त, और ये मक्के की रोटी अम्मी के हाथ की, तिल लगे हुए हैं क्या इसमें, नहीं मक्के का ही वो लग रहा है, ऐसा लग रहा है तिल लगे हुए, तो इतना खाना खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे, वो ठंड लग रही बड़ी तेज। खाना पीना भी हो गया और अम्मी मजा आ गया कसम से, यार लग रहा है कितने दिन बाद खाना खाया मैंने, अच्छा बढ़िया सच में। तो भाई मक्के की रोटी की रेसिपी, मक्के की रोटी की बनाई थी ना, तो मक्के की रोटी की जो रेसिपी वगैरह है ना, तो वो आपको अम्मी के चैनल पे मिल जाएगी, आज ही बना के डाल रही है, गोभी गोश्त की तो डली हुई है पहले से ही, और मक्के की रोटी भी मिल जाएगी आपको, तो जो भी अपना घर में बनवाना चाहे वाइफ के, और बहुत इजी भी तरीके से अम्मी ने बताया, तुम ही बोल दो पीछे से, बहुत इजी तरीके से बना रही हूँ, सभी बना सकते हैं जिनका दिल खाए, और बाकी डिटेल्स अम्मी के उस पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं वीडियो का लिंक, और चैनल का भी, मेरे से अगर, वैसे तो मेरे से पहले ही अपलोड कर देंगे अम्मी, हाँ तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देखना, और अपनी फैमिली में बहन वगैरह, भाभी, बीवी, वाइफ, बीवी वाइफ तो एक ही होता है, माँ किसी से ही बनवा सकते हो, अपना दिखवाओ बनवाओ, और अम्मी का भी चैनल सब्सक्राइब करो। तो भाई फाइनली ऊपर आ गया मैं, खाना पीना हो गया, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, और ये हमारी देखो छोटी सी हमारी गुड़िया मिली जान, अरे भाई कहाँ है, करो जल्दी से अत्ता, ऐसी हुई थी कैमरा देख के तो ऐसी सूम बिल्कुल, बस यूं करेंगी। तो भाई फिलहाल इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो ऐसे करके सब्सक्राइब कर देना, है ना, लाल वाला फायका की जैकेट जैसा बटन, मेरी बेटी की, उससे भाई देखो लाल वाला बटन दबा देना, अब तो वैसे ब्लैक हो गया है, थीम बदल गई है ना, तो हाँ तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, छोटा सा ऐसी व्लॉग बनाया था बस, यही व्लॉग था छोटा सा आज का, हाँ आगे थोड़ा मेरा प्लान है, अभी थोड़ा परेशानी है, 2-4 वो निमट जाए, फिर इंशाल्लाह उसके आगे मैंने बहुत अच्छे अच्छे सोचा हुआ है, नेक्स्ट मंथ से न्यू ईयर से न्यू स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और कुछ दिख नहीं रहा, बेहतरीन कोहरे का नजारा।